हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICSE मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे भी क्लास 8th का 13 चैप्टर, ठीक है, जिसकी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज। इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं अभी क्लास 8th के, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा 13 चैप्टर। इसकी पहली एक्सरसाइज करने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। आइडेंटिटी क्या भाई, अपने पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। हाँ भाई, ये आइडेंटिटी अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इस आइडेंटिटी के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कर भी सकते हो लेकिन टाइम लगेगा, फिर आपको सिंगल सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी गिवन होगी या फिर आपको याद होगी तो आप इजिली कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। देखिए भाई, पहली टर्म दोनों में एक्स एक्स होनी चाहिए, एक्स एक्स का मतलब सेम होनी चाहिए। देखो बी है सेम है भाई, सी सी सेम है, टी टी सेम है, पहली टर्म दोनों में सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पे एक्स एक्स सेम है, उसके बाद बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस 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 प्लस, ठीक है भाई, ये सारी चीजें देख लो। तो आपने डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख देना इसे, यानी कि एक्स का स्क्वायर जो पहली टर्म होगी ना, जैसे बी है एक्स है तो उसका स्क्वायर कर दो, पहले क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट अंदर ए और बी, इसको ए बुलाते हैं इसको बी बुलाते हैं। देखो ये पहली टर्म इसके साथ दूसरी टर्म ए प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ दो पांच प्लस में सात, और इंटू में एक्स, यानी कि जो भी पहली टर्म थी एक्स है तो एक्स लगा दो प्लस में ए बी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फाइव को मल्टीप्लाई कर दो सेवन से, ठीक है भाई। तो ये आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, सोल्व कर लो इसे अब। फाइव प्लस सेवन कितना हो गया भाई, ट्वेल्व एक्स प्लस में फाइव सेवन जो 35, आया कि नहीं आया भाई समझ, ऐसा करना बस ये बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अगले वाला देख लो, पहली वाली टर्म का स्क्वायर करना आपको प्लस में, अगली दोनों टर्म जोड़ दो, दो प्लस में नो, इनटू में जो भी साथ में लगाया बी है तो बी लगा दो, प्लस में दो गुना में नो मल्टीप्लाई कर दो, बी का स्क्वायर प्लस में टू और नाइन कितना हो गया इलेवन बी, नो टू नाइन जगह कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर एटीन हो जाएगा, ठीक है हो गया खत्म। थर्ड देखिए भाई, यहाँ पर दोनों में सी है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस में। अब देखो अंदर क्या लिखेंगे, टू प्लस में थ्री बाय में फाइव और साथ में लग जाएगा सी प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, टू मल्टीप्लाई में थ्री बाय में फाइव, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा भाई आपका। देखो अब कैसे करेंगे, सी प्लस में दोनों का एलसीएम कितना आ गया पांच, पांच को दो से करते हैं दस प्लस में टू, थ्री को वन से करेंगे थ्री भाई, ठीक है ब्रैकेट में ले लेंगे से प्लस में टू थ्री जा सिक्स बाय फाइव हो गया भाई ये, तो जोड़ लो इसको सोल्व कर लो, सी स्क्वायर प्लस में टेन और थ्री कितना होता भाई थर्टीन बाय में फाइव सी लग गया और प्लस में आ जाएगा छह बटा में पांच, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। बिल्कुल ही सिंपल है, देख लो सारे के सारे स्टेप्स सेम ही चल रहे हैं अपने, कोई डिफरेंट नहीं है। अब ये देख लो फोर्थ पार्ट इसका, दोनों में टी है भाई तो टी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस में ब्रैकेट के अंदर फोर बाय थ्री प्लस में वन बाय थ्री और साथ में लग जाएगा टी प्लस में फोर बाय थ्री मल्टीप्लाई में वन बाय थ्री, ठीक है भाई। अब देखो टी का स्क्वायर एज इट इज रख लो प्लस में, दोनों का एलसीएम तीन आ गया तो ऊपर वाली टर्म डायरेक्ट ऐड हो जाती है भाई, आपको पता है डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म डायरेक्ट ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, अब सीधा 5 बाय में 3t प्लस में 4 बाय में 9, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसमें आपने एक ही आइडेंटिटी लर्न कर लेनी है ये वाली, ठीक है। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगी, बीच में आपके पास केसेस आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस ऐसे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे देख लेना उसमें, तो ये वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होनी चाहिए और कैसे अप्लाई करना वो, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड है ना, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वन जैसा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर साइनों का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस प्लस साइन देखे थे, बट अब की बार यहाँ पे माइनस साइन है, कौन सा है माइनस साइन है भाई। तो देखिए माइनस साइन होगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला आपका वही रहेगा बट आपने वहां पर ए और बी की वैल्यू चेंज कर देनी है। देखिए पहले वाई है तो वाई का स्क्वायर करते थे हम, वही करेंगे वाई का स्क्वायर प्लस में अंदर क्या होता था ए प्लस बी होता था, ए की वैल्यू कितनी है आठ प्लस में बी की वैल्यू कितनी है माइनस चार लेनी है आपने, कितनी लेनी है माइनस चार ब्रैकेट क्लोज, साथ में क्या लग जाएगा भाई वाई लग जाएगा, फिर क्या करेंगे यहां पे एट और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में ए, ए कितना भाई एट मल्टीप्लाई में बी कितना भाई आपका माइनस का चार, बस ये रखना आपने, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, बस आपने साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो देखिए भाई वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा आपका प्लस में, यहां पर देखिए 8 में से 8 प्लस माइनस माइनस 4 साथ में y है प्लस माइनस माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भी 8 4 जा 32
अब देखो y का स्क्वायर एज इट इज प्लस में 8 में से 4 गया 4y माइनस में 32, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। साइन का मैंने वापस बता देता हूं एक बार, इस क्वेश्चन में भी समझ लो एक और बार। आपने जेड है, जैसे जेड का स्क्वायर तो एज इट इज रख लेना भाई, ठीक है, जेड का स्क्वायर एज इट इज प्लस का साइन, अंदर क्या रखते थे ए प्लस बी रखते थे, ए प्लस बी ही रखेंगे, ए क्या छे प्लस में, बी कितना भाई माइनस का 11 है, साइन आपने साथ में ले लेना है, यहां पर प्लस का साइन, ए कितना भाई 6 इनटू में, बी कितना भाई माइनस का 11, तो बस वही रखना है जैसे मैंने बोला है, ए बी की वैल्यू वही रखनी है, बट आपने साइन वहां पर साथ में लगाना होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए भाई यहां पर हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे नीचे, ठीक है, प्लस का साइन, ठीक है, 6 एज इट इज माइनस का 11 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, साथ में यहां पर भी हमने जेड नहीं लगाया, जेड भी आएगा, ठीक है, तो ये जेड हो जाएगा प्लस का साइन। अब देखो 6 को 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 66, ठीक है भाई। अब देखो जेड का स्क्वायर एज इट इज 6 में से 11 गए, माइनस का 11 बड़ा है, दैट्स व्हाई हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस का 5 बचेगा भाई, साथ में जेड प्लस माइनस माइनस का 66, बस क्वेश्चन खत्म हो गया भाई आपका। माइनस वालों में ये ध्यान रखना है बस आपने, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, सी दी आपको यहां पे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है, फिर प्लस का साइन, ए प्लस बी होता है, ए कितना भाई आपका माइनस का 5 है, बी कितना भाई 1 है, साथ में सी लग जाएगा, और प्लस का साइन माइनस के 5 को मल्टीप्लाई कर लेना आपने 1 के साथ, ठीक है भाई, बस ये करना आपने। अब देखो सी स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस 5 प्लस 1 माइनस का 4c हो गया, और प्लस में प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, ठीक है भाई, बस इतना सा क्वेश्चन था, तो छोटा सा था, हो गया आपका। नेक्स्ट देख लीजिए बी वाला, अब बी है दोनों में तो बी का स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है, अब साथ में प्लस का साइन, और साथ में क्या लग जाएगा, देखो माइनस 13 प्लस 10, क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस 13 प्लस का 10, और साथ में लग जाएगा बी, और प्लस का साइन, माइनस 13 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 10 के साथ, तो बी स्क्वायर तो एज इट इज माइनस 13 और प्लस 10, तो माइनस का 3 बी बच गया भाई, और प्लस माइनस माइनस 13 को 10 से करोगे तो 130 आएगा भाई, कितना आएगा 130, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, माइनस का डिफरेंस है, लेकिन आपने क्या कर लेना है, फॉर्मूले में बस सिर्फ जहां पर ए और बी प्लस के थे, अब की बार ए और बी माइनस है, तो ए और बी की वैल्यू माइनस रख देनी है, बाकी सारा का सारा काम वही करना आपने। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करते भी। यहाँ पर थर्ड में देखिए आपको क्या करना है, दोनों के दोनों साइन आपको माइनस के ही मिलेंगे, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा सेम टू सेम, बस ए की वैल्यू यहाँ पे दोनों माइनस हो चुकी हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स है जो उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर क्या भाई ए और बी जो है माइनस का ही ए है और माइनस का ही क्या भाई आपका बी है, इनटू में एक्स, और प्लस में क्या करते हैं भाई यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 6, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज भाई माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, साथ में एक्स है भाई, प्लस का साइन, माइनस माइनस तो प्लस ही होगा भाई, और 6 3 जा कितना हो गया 18 हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए जेड और जेड, यानी कि जेड का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का साइन, अंदर माइनस का ही 11 है और माइनस का ही 4 है, तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है भाई, इंटू में जेड आ जाएगा भाई, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा भाई, प्लस का साइन, मल्टीप्लाई में माइनस का 11 और माइनस का ही 4। ठीक है भाई, अब सोल्व कर लेते हैं, जेड का स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस साइन तो माइनस करेगा, जुट जाएंगे 11 और 4 15 जेड, और माइनस माइनस प्लस 11 4 जा 44 होगा भाई आपका। ठीक है, ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, ये बी है तो बी का स्क्वायर कर देंगे भाई, नीचे कर रहा हूं मैं, दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस का 6 है और माइनस का ही 8 है, और बाहर लग जाएगा बी, प्लस का साइन, माइनस के 6 को माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा भाई आपका माइनस का 6 और माइनस का 8, तो माइनस का साइन रहेगा, दोनों जुड़ जाएंगे 14b, प्लस आ जाएगा भाई यहाँ पर 6 8 48 हो गया भाई आपका। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट को कैसे करेंगे, ए आपका एज इट इज रहेगा भाई, ए का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, अंदर माइनस का 3/5 आ जाएगा भाई यहाँ पर, और माइनस का 1/3, साथ में ए रहेगा और प्लस का साइन, अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3/5 को माइनस के 1/3 से। ठीक है भाई, अब देखो ए स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, नीचे लिख देता हूं मैं, माइनस और माइनस साइन सेम रहेगा भाई आपका, अंदर जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों, 5 3 15, एलसीएम ले लो, 3 को 3 से करेंगे 9, 5 को 1 से करेंगे 5, बाहर ए रहेगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई,
तीन से तीन कट गया मल्टीप्लाई में, तो ऊपर बचेगा 1/5। अब लिख देते हैं भी जो जो बचा आपके पास, a का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 कितने होगा भाई, माइनस का 14 बाय में 15 a और प्लस में 1 बाय में 5। तो ये हो जाएगा भाई इसका आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके भी चारों पार्ट हो चुके हैं भाई थर्ड क्वेश्चन के सारे सेम ही थे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको कंडीशन दे रहा है कभी यहां पर दोनों प्लस, कभी ए प्लस, कभी ए माइनस, कभी ए माइनस, कभी ए प्लस, या दोनों माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस किया वैसे ही है ये भी। जैसे यहाँ पर माइनस का यहाँ पे प्लस का साइन है, वैसे ही यहाँ पर भी है माइनस और प्लस का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बोथ टर्म सेम है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका, फिर प्लस का साइन, अंदर ए प्लस भी होता है। ए कितना भाई माइनस का 1/2 और बी कितना भाई 3/2 है। ठीक है, बाहर क्या लग जाता है एक्स लग जाता है साथ में, फिर प्लस का साइन ए इंटू बी, ए कितना भाई माइनस का 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई करना आपने 3/2 को। तो देखिए भाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर आप एज इट इज लिखोगे, प्लस का साइन, दो कैरी रहेगा आपका यहाँ पर, एलसीएम आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, 2 को 1 से करेंगे भाई 2 आ जाएगा, या जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस में 3। ठीक है भाई, और साथ में बाहर एक्स है इसके, प्लस माइनस माइनस रहेगा, 2 जा नीचे 4 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा ऊपर। अब देखिए सोल्व कर लेना बस आपको, एक्स का स्क्वायर 3 में से 1 गया भाई, 2 बचेंगे, क्या बचेंगे 2, तो 2/2 कर लेना आपने, और साथ में है एक्स माइनस में 3/4। अब 2 से 2 कट गया तो 1 ही बचा भाई, तो एक्स का स्क्वायर 1 क्या लिखें साथ में, एक्स ही लिख देंगे बस डायरेक्ट, माइनस का 3/4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, ऐसे ही सेम टू सेम नेक्स्ट करना भैया आपने। देखिए पी आपका जेटी था, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, फिर यहां पर साइन ले लेना आपने, माइनस का 3 दे रखा है, प्लस में है भाई दूसरे वाला 1/2 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, साथ में भी चलक जाएगा आपका पी, फिर प्लस का साइन, माइनस का ए और इनटू में बी करेंगे भाई, जो भी आपका 1/2। ठीक है, ए बी, अब पी स्केर एज इट इज रहेगा आपका। अब यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा भैया आपको, अंदर एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर 3 2 6, प्लस में 1 × 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे, बस एलसीएम ले लेना आप। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से करते हैं, 3/2 आ गया नीचे साइड। अब देखिए पी स्केर एज इट इज रहेगा भाई, माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना बचा भाई, माइनस का 5/2 भी बच गया और माइनस का ये 3/2 है भाई। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है भाई फोर्थ का सेकंड पार्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही चेंज है, क्या कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ सी मिलता था, अब इसके साथ कुछ न्यूमरल लगा हुआ है 9 है जैसे, यहाँ पर ए मिलता था पहले अब 3 लगा है, यहाँ पर एक्स होता था सिर्फ अब 5 भी मिला है यहाँ पे, तो ये चेंज है बस, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है। देखो भी कैसे करेंगे, 4p है तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 4p का होल स्क्वायर। ठीक है, यही करते थे ना, एक्स का स्क्वायर फिर प्लस का साइन, अंदर लेते थे a प्लस बी, ए कितना भाई आपका 3 प्लस में 7 और b क्या भाई आपका यहाँ अब साथ में लगता था इसके पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट 4p प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई भाई 3 × 7। ठीक है, यही करते थे ना। अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, पी का करेंगे तो पी स्क्वायर हो गया प्लस में, 3 को 7 से जोड़ेंगे 10, 10 को 10 से करेंगे 40 हो गया भाई, 3 को 7 से करेंगे 21। देखा बस खत्म, यही क्वेश्चन करना बस आपने, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए अब 9c है तो पहले करेंगे 9c का होल स्क्वायर फिर प्लस का साइन, अंदर लेंगे 4 प्लस माइनस, माइनस ही रहेगा 2 इंटू में कॉन्स्टेंट क्या आता भाई, c आएगा पीछे बाहर। ठीक है, और प्लस का साइन आ जाएगा भाई यहाँ पर, a कितना भाई आपका 4 मल्टीप्लाई में, b कितना भाई आपका -2। ठीक है भाई, अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे 81, सी स्क्वायर हो गया प्लस का साइन, 4 में से 2 गया 2, 2 को 9 से करेंगे 18, 4 को 2 से करेंगे भाई 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अगले पे चलते हैं, पहले करेंगे यहाँ पे 3a का स्क्वायर, फिर करेंगे प्लस का साइन, अंदर माइनस a प्लस का यहाँ पर b है भाई। ठीक है, कितना है 2 है, इंटू में 3a और प्लस में माइनस 8 करेंगे भाई यहाँ पर और लेंगे साथ में 2। तो देखिए भैया अब सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, a का स्क्वायर रहेगा आपका माइनस 8 प्लस 2 कितना बचा भाई माइनस का 6 बचेगा, साथ में 3 है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, लिखो माइनस 8 में से 2 गया तो माइनस का 6, उसको 3 से करेंगे तो 6 3 18, 18a हो गया, 8 को 2 से करेंगे भाई माइनस का 16। ठीक है, 8 2 16 होता है ना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। लास्ट पार्ट है इसका, वो भी देख लेते हैं, 5x है तो भाई 5x का होल स्क्वायर करो पहले, तो फिर प्लस का साइन, माइनस का 2 माइनस का 7 और बाहर 5x, प्लस में
माइनस का 2 और माइनस का 7 मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। अब देखो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 25x2 माइनस 2 और माइनस 7, माइनस का 9 भाई, 9 को 5 से करेंगे तो 45x, माइनस 2 और 7 कितना हो गया माइनस का 14, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 14 आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास न्यूमरल मिलता है ना बाहर कोई भी कॉन्स्टेंट के साथ, जैसे यहाँ पे 9 मिला है, 3 मिला है, तो आपने सिर्फ करना क्या है, जो भी न्यूमरल के साथ कॉन्स्टेंट होगा उसके साथ भी इसको भी स्क्वेयर करना होगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिर्फ ए लिखते थे पहले, अब 3 भी लिखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, x2 प्लस में 3 और x2 प्लस में 6, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास नंबर होगा ना स्टार्टिंग वाला, अब वो स्क्वायर में है। पहले आपके पास सिंपल था, फिर उसके बाद न्यूमरल्स लगा उसके साथ 1, 2, 3, अब यहाँ पर y स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर में आपके पास, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले वाले का स्क्वायर करते हैं, यानी कि तो पहले स्क्वायर है तो एक और बार स्क्वायर होगा भाई इसका, ठीक है। प्लस में अंदर a प्लस b, यानी कि 6 प्लस में 3 जो भी आपके पास, या 3 प्लस 6 इंटू में क्या है x2, और प्लस में 3 इंटू में 6 हो जाएगा भाई। तो x के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 होगी भाई, प्लस में 6 प्लस 3 9, 9x2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में 6 3 18 हो गया भाई, कितना हो गया 18। बस ऐसे ही करना है, बिल्कुल ही सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पर भी इसको ऐसे करेंगे, y के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, प्लस में माइनस का 1 प्लस में 4 इंटू में क्या हो जाएगा भाई y स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या देगा प्लस का साइन, इंटू में माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना 4 से, तो y के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो y की पावर 4 हो जाएगी भाई आपके यहाँ पे, माइनस 1 प्लस 4 यानी कि 3 बचा आपका, 3y2, और माइनस 4 को 1 से करेंगे तो माइनस 4 ही आएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब ये देख लीजिए z के स्क्वायर का एक और बार स्क्वायर कर रहे हो आप, प्लस में 3 माइनस में 7 इंटू में z2, और प्लस में कर देंगे भाई 3 को मल्टीप्लाई माइनस 7 से, तो z के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो z की पावर 4 होगी भाई, कितनी होगी z की पावर 4, 7 3 में से 7 गए तो माइनस का 4 बचेगा भाई, z2 लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 7 21 हो गया भाई, कितना हो गया 21 हो जाएगा। अब देख लीजिए फोर्थ वाला, टी स्क्वायर का स्क्वायर कर लो भाई यहाँ पे, क्या कर लो टी स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, प्लस का साइन माइनस 2 और माइनस 5 साथ में टी स्क्वायर लगेगा भाई, और प्लस का साइन माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना आपने माइनस 5 से, ठीक है। तो टी के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे टी की पावर भी 4 होगी भाई यहाँ पर, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 टी स्क्वायर होता है, और प्लस का हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस 5 2 10। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी कंप्लीट हो चुका है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। देख लो सारे के सारों में एक ही फॉर्मूला लगाया हमने, कोई ज्यादा वो नहीं किया, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे भाई, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई फिर भी डाउट, कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना उसके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी अपनी वीडियो शेयर करें भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके मैथ में एग्जाम में। थैंक यू।